बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों काफी ज्यादा ये ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर एमकॉम पार्ट वन और एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा मुझे कमेंट करके एक सवाल बोल रहे हैं कि सर आप अपने वेबसाइट पे रोज एमसीक्यू रिलीज कर रहे हो एमकॉम पार्ट वन एमकॉम पार्ट टू के लिए, तो सर हम आपके वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं, हमें कुछ मिलते हैं और पहले के एमसीक्यू नहीं मिल पाते हैं, तो सर हम उसे कैसे एक्सेस करें कैसे देखें। और काफी नए ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब के जरिए, अदर अदर सोशल मीडिया के जरिए, वे भी एक ही सवाल बोल रहे हैं कि सर हमें ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू चाहिए, तो कैसे हमें मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप जितने भी एमकॉम पार्ट वन और एमकॉम पार्ट टू है आपके लिए ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो मेरा ही वेबसाइट है, विजिट कीजिए, उसे कैसे एक्सेस करना है, कैसे आपको ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिलेगा, सब चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार इस चैनल पे नए हो मेरे सूरज पटेल एजुकेशन पे, तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको दोस्तों नॉर्मल नॉर्मल से आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल आप कुछ भी यूज करते हो उससे आपको गूगल एक्सेस पे आ जाना है, गूगल पे आ जाना है और वहां आपको लिखना है www.surajpatel-education.com। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको इधर नाम दिख रहा होगा इसे देख क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला जो आपको दिखेगा www.surajpatel-education.com, ये मेरा वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, मैं नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। उसके नीचे आपको मेरे कुछ अपना यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जाओगे तो आपको ये जो पहला दिख रहा है www.youtube.com, ये सूरज पटेल एजुकेशन, ये इसका यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। फिर आप मेरे फेसबुक पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, जहां भी आप चाहे दोस्तों। अभी ये मेरा वेबसाइट है, इस पे क्लिक करके इसे मैं ओपन कर लेना है। आप लोगों को ओपन करना, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना, ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ इधर देख सकते हो कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो बहुत इजीली इस वेबसाइट पे आके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे बता दूं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने इंस्टाग्राम का पेज तो दोस्तों आ जैसे कि जाएगा। आप देख रहे हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम पे पेज पे आ गया, आप इधर से फॉलो करके आप मेंबर बन सकते हो। जो भी क्वेरी आप बोल सकते हो आपकी बातें, मैं इंस्टाग्राम पे हर किसी के मैसेज के रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम इस बात पे इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ये मेरे वेबसाइट पे हम जैसे ही विजिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपको इधर सूरज पटेल एजुकेशन दिखेगा, जो भी मैंने लेटेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है वो आपको इधर दिखेगा। जो भी लेटेस्ट पोस्ट मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि आज सुबह ही मैंने डाला है 13 तारीख, मतलब मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब 14 तारीख लग चुका है, मैंने 13 तारीख को ये डाला है, 13 जनवरी के दिन। जैसे कि आपको देख सकते हो ये एमकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट का इधर आपको दिख भी रहा होगा, एमकॉम पार्ट वन। ठीक है, ये भी एमकॉम पार्ट वन, ठीक है ये भी एमकॉम पार्ट वन, ये FY बीकॉम। तो जो भी लेटेस्ट आप अगर इधर से नीचे करोगे दोस्तों तो आपको इधर दिखते जाएगा, ये देखिए। ठीक है, आपको डेट भी दिखेगा कि कौन से डेट पे मैंने ये पोस्ट लिख के आप लोगों के लिए रिलीज किया हुआ है अपने इस वेबसाइट पे। आप दोस्तों नॉर्मली आप नीचे आइए, ठीक है, देखिए इस तरीके से नीचे आ सकते हो। जैसे ही नीचे आओगे आपको कोई और पेज पे जाना है, आप दूसरे पेज पे चले जाइए, आपको आगे ये के नोट करने मेन की जा बात आ रहे जाती है कि अगर आपको शॉर्टकट चाहिए कि सर ये तो आपने सबके दिख रहे एमकॉम पार्ट वन FY बीकॉम SY बीकॉम, मतलब ऑल और सभी के मिक्स दिख रहे, सिर्फ हमको एमकॉम पार्ट वन का चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा थोड़ा नेट स्लो है जिसकी वजह से ये पूरा क्लीन हो नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, और मैंने चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको कोर्स दिख रहा है, इस कोर्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस क्लिक कोर्स करना के है, इधर ऊपर क्लिक कॉमर्स एंड अदर पे दिख रहा होगा तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स पे क्लिक कीजिए और इधर देख लीजिए एमकॉम पार्ट वन, पहले एमकॉम पार्ट वन का बताता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा, और ये जो इंटरफेस दोस्तों इधर दिख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एमकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट का है दोस्तों। जितने भी आपको पोस्ट मिलेंगे, इकोनॉमिक इकोनॉमिक,
मतलब ये इकोनॉमिक के इधर के क्वेश्चन अलग होंगे, इसमें के क्वेश्चन अलग होंगे, एमकॉम पार्ट वन के ही है दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी दोस्तों आप इधर से कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब इधर से अगर आप नीचे आओगे तो दोस्तों इससे नीचे नहीं जा सकते हो, इससे अभी देखिए जैसे कि अगर आप ऊपर देखोगे तो सिर्फ आपको दो पोस्ट ही दिख रहा होगा इकोनॉमिक का। इसके नीचे जाने के आगे जाने के लिए आपको इधर ऑर्डर पोस्ट दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आगे जा पाओगे, जैसे कि मैं अभी आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप ऑर्डर पोस्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों इधर जो दिख रहा है ये देखिए, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, इधर दिख रहा होगा एरो के सामने बफरिंग हो रहा है दोस्तों। ये देखिए आ गया, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, इकोनॉमिक एमसीक्यू। अब वो जो आगे जो इकोनॉमिक देखे वो क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग, मतलब आपको इधर ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आप आगे जाइए देखिए इधर भी इकोनॉमिक आ गया, ठीक है, ये भी अलग है। ये सब एमकॉम पार्ट वन का ही है दोस्तों, ठीक है, इधर दिख भी रहा होगा एमकॉम पार्ट वन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये भी इकोनॉमिक है, ठीक है, ये आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक है। और दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड जल्द से जल्द और भी अपडेट मिलेंगे, आप ये मत सोचिए कि बस इतना ही अपडेट है, ये देख सकते हैं, ठीक है। थंबनेल भी आपको उधर दिख रहा होगा साइड में, ठीक है। तो दोस्तों और नीचे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब आपके जो भी डाउट थे कि सर कैसे एक्सेस करना है क्या है, तो वो सभी चीजें मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप इधर ही आके अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग एमकॉम पार्ट वन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग, ठीक है दोस्तों, पार्ट वन। पार्ट वन मतलब पार्ट टू भी उसका जरूर बना होगा। जैसे ये देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ऊपर पार्ट वन दिखा होगा, इधर पार्ट टू है, मतलब आपको और भी उसमें मिलते जाएंगे। ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट वन, ठीक है, और मतलब जो उसके ऊपर मिला वो अलग क्वेश्चन, तीन तीन सेट इधर ही आपको मिल गया। फिर देखिए आपने ऊपर भी देखा होगा एडवांस कोर्स अकाउंटिंग, ये इधर, ठीक है। देखिए मतलब इसी तरीके से एडवांस कोर्स अकाउंटिंग आपने ऊपर भी देखा, ये पार्ट वन है, पार्ट टू उधर बना होगा, ये इकोनॉमिक ये भी है, ठीक है, इधर के भी इकोनॉमिक, और नहीं बोलते बोलते दोस्तों आपको इधर सब कुछ मिल जाएगा। ये भी देखिए एडवांस कोर्स अकाउंटिंग, फिर इधर से आप पेपर मतलब पेज टू पे भी जा सकते हैं, उधर आपको अलग सब्जेक्ट मिलेंगे, मतलब जो एम कॉम पार्ट वन के होंगे ये सब्जेक्ट के भी और एमसीक्यूज होंगे। आप अगर सर्च करोगे तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पे आपको एम कॉम पार्ट वन पार्ट टू यहाँ तक एफ वाई एस वाई टी वाई के लिए भी ऑल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इधर डेली अपडेट रहना होगा दोस्तों, रोज का रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैं अपडेट प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, न्यू न्यू एमसीक्यूज आप लोगों के लिए इस वेबसाइट पे लेके आ ही रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इधर अपडेट रहना होगा रेगुलर बेस पे, इधर आके आपको रोज चेक करना होगा कि आज के दिन क्या आया है, सुबह या दोपहर या शाम, ये तीन टाइम आपको चेक करना है। ये तीन टाइम के कोई भी बीच में एक या दो बार आपको इधर रोज के रोज एमसीक्यूज मिलते ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप सिर्फ चेक करते रहिए, बस आपको हर सब्जेक्ट के मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी ओपन करके देख सकते हो, जैसे कि मैं इधर एक ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि एमसीक्यूज कैसे है क्या है। तो थोड़ा बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आपको इधर दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ, आपको इधर दिखेगा है टाइटल दिखेगा, फिर ये इधर कंटेंट है। कुछ वक्त लग रहा है, नेट स्लो काफी स्लो है मेरा इस वक्त, और मैं ये शूटिंग भी रात को कर रहा हूँ। टाइमिंग इधर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 12:39 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ा रात के समय हर कोई नेट बोर्ड यूज करता है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इधर नीचे एमसीक्यू दिख रहा है, इधर जो नहीं दिख रहा है इधर जो ब्लैंक दिख रहा है अभी आपको, इधर इसका थंबनेल है, देखिए ये आ गया थंबनेल भी, ठीक है। थंबनेल के नीचे जाते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको एमसीक्यूज दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप दोस्तों इधर से एमसीक्यूज प्लस आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, और उसी के आंसर भी दिए हुए हैं दोस्तों आपको। तो बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो दोस्तों। अगर आप एम कॉम पार्ट टू के स्टूडेंट हो दोस्तों, सेम चीज आपको करना है, कोर्स पे जाइए, ठीक है, वही कॉमर्स पे क्लिक कीजिए। कॉमर्स के बाद आप एम कॉम पार्ट वन का मैंने आपको बता दिया, अब आपको एम कॉम पार्ट टू पे क्लिक करना है, ठीक है। आप आइए एम कॉम पार्ट टू पे और यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो अब आपके सामने जो कंटेंट आएंगे
ये पूरे कंटेंट होंगे एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब इधर एमकॉम पार्ट वन के कोई भी स्टूडेंट के लिए कंटेंट नहीं होगा, जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा एमकॉम पार्ट टू, ठीक है, एमकॉम पार्ट टू। तो इधर से भी दोस्तों आप नीचे कर दीजिए, या तो प्लेस ऑर्डर करके लिखा होगा मतलब आगे पेज पे जाने के लिए, या तो नीचे पेज का नंबर दिया होगा आप उसे देख के आगे जा सकते हो। देखिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, फिर फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब ऑल सब्जेक्ट एमकॉम पार्ट टू के भी, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब सब्जेक्ट के आपको इस वेबसाइट पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं। इधर फिर से आप कर दीजिए तो अपना ऑर्डर पोस्ट, ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर पोस्ट करोगे तो आपको फिर से पेज आ जाएगा, मतलब इसके रिलेटेड और भी एमकॉम पार्ट टू के रिलेटेड और भी जितने एमसीक्यूज होंगे वो भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे बहुत आसान तरीके से। आप ओपन कीजिए और आप रीड कीजिए, इतने एमसीक्यूज है कि आपके पूरे पेपर आप बहुत अच्छे से और आसान तरीके से अटेंड कर पाओगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब पूरी बातें थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। यार अभी भी बोलता हूँ कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आप तक, आपके मोबाइल तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।